आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। रीवा की पुलिस ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है। अमूमन ये माना जाता है कि जो भी नगदी जाती है वह चोरी के बाद बरामद नहीं होती। पुलिस ने पिछले दिनों 11 लाख नगदी के साथ जो भी जेवरात गए थे उसको आज 1.5 महीने बाद बरामद करने में सफलता पाई है। आज पुलिस कंट्रोल रूम में रीवा के पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का खुलासा किया, 11 लाख नकदी में से 5.5 लाख रुपए हमने बरामद कर लिए हैं, साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने इस दौरान जो भी नकद दी गई थी उसमें तो आधी रकम बरामद की, लेकिन गोल्ड और चांदी लगभग पूरी की पूरी बरामद कर ली है। आइए आपको सुनाते हैं इस बारे में पुलिस अधीक्षक क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चोरी की घटना है जिसमें 11 लाख रुपए गए थे और जेवरात गए थे। लगातार प्रयास किए जा रहे थे, बड़ी चोरी थी, लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उसी प्रयासों के क्रम में PIC विजिलेंस को अपने मुखबिरों के जरिए सूचना मिली और उन्होंने बाहर काफ़ी मेहनत करके प्रयास किया, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए और नकली इसमें जो जेवरात जब्त हुए वो बिल्कुल आरोपियों ने जिस रूप में चुराया था उसी रूप में जब्त हुए थे। आरोपियों ने उस घर को चूज इसलिए किया था कि वो घर में उनको खिड़की वगैरह खुली हुई मिल गई थी, तो एक्सेस बहुत आसान रहा उनके लिए। इस तरह की घटनाएं प्रायः होती हैं, जब आरोपी अपराध करने के लिए निकलता है तो कई बार जो है उन घरों को भी टारगेट कर लेता है जो जिनके जगह जहाँ पर उनकी एक्सेस बड़ी आसान होती है। इसी तरीके से उन्होंने सामान को चुराया था और लकड़ी बढ़िया रहा कि इन्होंने काफ़ी मेहनत भी किया था और उस मेहनत का परिणाम रहा कि वारदात ट्रस्ट हुई। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।